तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये वो फ़ोन है और ये पूरा ऐसे चल चुका है, अभी इसमें कुछ नहीं बचा। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज सुबह जब मैं काम पे आया तो मुझे मेरा वो रात वाला दोस्त मिला जो रात को ड्यूटी पे होता है, तो थोड़ा उदास लग रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि यार रात तो नुकसान हो गया। उसने बोला, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि यार मेरा फ़ोन भट्टी में गिर गया है और पूरा जल गया है। तो मैंने पहले तो ऐसा लगा कि यार जैसे वैसे मजाक कर रहा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि सच में जो उसका फ़ोन है वो भट्टी में गिर गया था। उसने बहुत मुश्किल से वो फ़ोन लिया था, पैसे जोड़कर थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उसने फ़ोन लिया था। रियलमी 6 फ़ोन था और 10,000 रुपये का उसने लिया था। तो यार सुनकर बहुत दुख लगा। वो बोला कि यार मुझे रात को मतलब तकरीबन 12-1 बजे ऐसे नींद का एक झटका आया और मेरे हाथ में फ़ोन था और वो सीधा भट्टी में चला गया, और जब तक मैंने निकाला तो वो पूरा जल चुका था। फ़ोन मेरे पास है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये वो फ़ोन है और ये पूरा ऐसे जल चुका है, अभी इसमें कुछ नहीं बचा। देख सकते हो ऐसे भट्टी में गिर गया था। अभी इसका देख सकते हो क्या हाल तो हो गया दोस्तों इसकी। यार गरीब का तो 1 रुपये का नुकसान हो जाए वो भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन देखो यार उसने बहुत मुश्किल से ये फ़ोन लिया था और ये अब ख़त्म हो चुका है। अब देखो उसका 10,000 का ये फ़ोन गया और साथ में दोस्तों उसका अभी उसको नया लेना पड़ेगा, 10-11 हज़ार रुपये अब वो लगेगा, तो कम से कम 20,000 का उसका नुकसान हो गया। और उसका जो तनख्वाह है दोस्तों 12,000 रुपया है महीने का, तो ऐसा समझ लो कि उसका एक महीना फ्री में चला गया दोस्तों। ये देख सकते हो